हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ चोला चढ़ाने हनुमान जी को। तो सैटरडे और ट्यूसडे ऐसा माना जाता है कि उस दिन हनुमान जी का दिन होता है। तो आज मैं अपने भाई के साथ आई हूँ चोला चढ़ाने के लिए। तो पहले संकल्प कर रहे हैं अभी पंडित जी, और फिर हम फिर पंडित जी संकल्प करने के बाद चोला चढ़ाएंगे। पहले मेरा भाई करेगा, फिर मैं करूँगी। मंदिर है ये पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर का। यहाँ पे सभी देवी देवता हैं, और ये बहुत ही पुराना है, पुराना मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ लगती है, और यहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है इस मंदिर को। पटना का ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी पंचमुखी रूप में विराजमान है यहाँ पे। तो आप भी आ सकते हैं दर्शन के लिए, ये बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है, बहुत लोगों को शनि ग्रह होता है तो वो लोग भी आके यहाँ पे शाम में दिखा सकते हैं या सुबह सुबह दिखा सकते हैं। अब मैं संकल्प करने जा रही हूँ, और सारा कुछ है इसमें, तुलसी पत्ता और माला चोला सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि चोला चढ़ाते हैं तो अगर आपका मंगल ग्रह डाउन है तो उसके लिए चढ़ाते हैं, या अगर आपका शनि भी कमज़ोर है तो उसके लिए भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और आप इसे कभी भी सैटरडे और ट्यूसडे को आराम से चढ़ा सकते हैं, तो अच्छा होता है। और ये मेरी मम्मी ने मन्नत मांगा था मेरे और मेरे भाई का साथ में चढ़ाने के लिए, इसलिए हम आज जाएँ साथ में सैटरडे को। और मुझे चढ़ाने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैं अब हमेशा सोच रही हूँ कि ट्यूसडे और सैटरडे को चढ़ाऊँ। तो आप भी ये कर सकते हैं आराम से नहाने के बाद बिना कुछ खाए। तो अब मैं दर्शन करूँ। पे शिवलिंग भी है, तो जो लोग शिवलिंग का भी दर्शन करना चाहते हैं वो भी आराम से शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे पूजा कर सकते हैं शंकर भगवान का। तो अब हम दर्शन करके, हमारा ऑलमोस्ट दर्शन हो चुका है, और पंडित जी काफ़ी जल्दी में थे क्योंकि हमें उनमें बहुत लेट हो गया था पूजा करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये है पीपल का पेड़, जैसा कि मैं बता रही थी। यहाँ पे आप आराम से आके सुबह या शाम में दिया बत्ती कर सकते हैं। और ये मंदिर बंद हो चुका है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं KFC में, बट हम अभी तुरंत मंदिर से आए तो हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, हम वेज खा रहे हैं। वेज बर्गर, वेज मील लिया हमने। तो फ्रेंड्स, ये है पटना के राजा पुल के KFC का नज़ारा। ये बहुत ही शांत एरिया है, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।